दोस्तों, ग्रेट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी की ऑफिशियल साइट पर आए हुए हैं, तो उन कैंडिडेट के मैं बता दूं दोस्तों, जो एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए वो सारी जानकारी आपके लिए लाने वाले बताने वाला हूँ जो आप लोग काफ़ी कमेंट में पूछ रहे हो। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर हमारे 35 नंबर हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा, सर हमारे 40 नंबर आ रहे हैं हमारा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर, एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बताते हैं आपको सारी जानकारी, आपका रिजल्ट कब आना है और आप जो कम नंबर वाले हैं उनका क्या हो सकता है, तो बने रहिएगा दोस्तों। उन लोगों कैंडिडेट के लिए जिनके 35 नंबर आ रहे हैं, जिनके 40 नंबर आ रहे हैं, जिनके 50 नंबर, ये 50 से भी कम नंबर आ रहे हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए क्या होगा दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी जब एसएससी जीडी की लास्ट टाइम जब मैं बता दूं उन कैंडिडेट के लिए जिनके कम नंबर आ रहे हैं, जिनके 35 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, अभी लास्ट टाइम जब एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी तो उसमें उन कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ था जो 35 नंबर वाली आए थे। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपका फाइनल आंसर की जो एसएससी जारी करेगा, आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर बढ़ जाएंगे, उसमें आपको 5 से 6 नंबर का या कभी कभी 10 नंबर भी आपका बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों यही कारण है कि आपका जो कम नंबर आ रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अपना बेस्ट देने के लिए आपने तैयारी बरकरार रखी, क्योंकि आपका फिजिकल होना है, उसके को पता है कि एसएससी ने अभी टेंटेटिवली आपका जो आंसर की जारी कर रखी है, तो अभी आपका जो फाइनल आंसर की आना बाकी है, तो फाइनल आंसर की आते ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन नंबर है, आपको मार्क्स जो आपके हैं वो बढ़ के मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका काफ़ी कमेंट आया कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट दोस्तों मैं बता दूँ, मार्च तक आपका रिजल्ट आना था, लेकिन किसी कारणों से आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो आपका मे बी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका पॉसिबल है कि आपका रिजल्ट एसएससी जीडी का जारी कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं अभी हाल ही में आपका यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट पर आप, यानी कि सीजीएल का भी रिजल्ट एसएससी ने जारी कर दिया है। 8 तारीख को ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, 2022 वाला जो आपका रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया है। तो अब उसके बाद दोस्तों आप क्या है, अब आपका जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एसएससी जीडी वालों का आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही अपडेट आपको देनी थी, बाकी आप परेशान मत होइए, आप अपना फिजिकल के लिए तैयारी बरकरार रखिए। और जैसा कि आपको बता दूं, अभी जैसे कि असम राज्य वाले हैं, 25 नंबर अभी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आप उम्मीद बढ़ा रही है, आपको हाई तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जैसे कि आपको पता है मैंने हर स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट किया है, तो मोटिवेशन आप अपने को बरकरार रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग डीमोटिवेट हों और आपका जो है मनोबल कम हो, तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ अपना मनोबल बनाए रखिए और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, आपका सिलेक्शन हो। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप जो डर रहे हैं कम नंबर वालों का क्या होगा, तो दोस्तों हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता है, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हैं। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।